आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पनीर के पराठे बनाने की आसान विधि जो कि बहुत ही हेल्दी और इफेक्टिव होता है आपके लिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको अपने चैनल पर बताएंगे कि पनीर के पराठे कैसे बनते हैं। पनीर जो कि खाने में ही बहुत प्रोटीनदार होता है और हेल्दी होता है, तो आइए उसकी एकदम आसान और हेल्दी ट्रिक आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको एक प्याज ले लेनी है और एक धनिया ले लेना है और ऐसे चॉप्ड कर लेना है। अब आपको पनीर ले लेना है और उसको कद्दूकस कर लीजिए जितने मेंबर के हिसाब से आप बना रहे हैं। हमने 50 ग्राम पनीर लिया है। अब हमें इसका स्टफ तैयार करने के लिए इसको फ्राई करना पड़ेगा, इसलिए आपको एक चम्मच घी लेना है। आप इसको फ्राई पैन में कर सकते हैं, उसमें आपको जीरा डालना है। अब आपको प्याज इसमें डाल देनी है और अच्छे से मिक्स करनी है। अब आपको इसमें पनीर डाल देना है। और इसको दोबारा ऐसे ही मिक्स करना है। अब आपको इसमें नमक डालना है स्वाद अनुसार। और अब डाल दीजिए इसमें धनिया पाउडर एक चम्मच। और लास्ट में आपको डालना है चिली पाउडर एक चम्मच। आप देगी लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हैं और इसको मिक्स कर देना है। अब आपको इसमें धनिया डालना है, आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और अगेन आपको मिक्स करना है। और आपका स्टफ बनकर रेडी हो चुका है। लास्ट में आपको गैस ऑफ कर देनी है। अब आपको पराठे बनाने की विधि स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपको पैन गैस पर रख देना है, उसको गर्म होने के लिए रख दो। अब आपको इस तरह से आटे का लोई ले लेना है और इसको अच्छे से जैसे कि वीडियो में है, और रोटी बेलनी है इस तरह से। और अब आपको जो स्टफ था वो एक चम्मच इसमें पुट करना है इसी तरह से। और जैसे कि वीडियो में है आपको एकदम इसी तरह से इसको बंद करना है। हाँ, और रोटी को एक बार आटे पर ऐसे लेना है। और बेल देना है। और इस साइज का हो जाए तो आपको ये पैन में डालना। देखिए हमने इसको पैन पर रख दिया है और अब आपको ये पलट देना है और घी को इसके ऊपर ऐसे डालना है। और दूसरी तरफ भी ऐसे ही डालना है। और इसको अच्छे से तैयार होने के लिए छोड़ देना है। देखिए जब इसका कलर चेंज हो जाए तो आपको इसको दूसरी तरफ पलट देना है। और जब ये थोड़ा ब्लैक हो जाए इसका कलर तो आपको दूसरी तरफ कर देना है। और देखिए हमारा पराठा एकदम रेडी हो चुका है।